नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ आराम भी लेकर आती है, यानी कि इस नौकरी के साथ साथ लोगों को मान सम्मान तो मिलता ही है, साथ ही कर्मचारियों को ऐशो आराम की जिंदगी भी मिलती है। हालांकि इस ऐश की जिंदगी में कर्मचारियों की लेट लतीफी शामिल नहीं होती है, यानी कि कर्मचारी जब मन तब कार्यालय आए, सरकारी नौकरी के साथ ऐसी कोई सुविधा या छूट नहीं मिलती। लेकिन फिर भी अगर आप भी कभी भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो कर्मचारी अभी तक आए नहीं है, आज लेट से आएंगे जैसी बातें आपने भी सुनी होगी। हालांकि ऐसा करने से सरकारी कर्मचारियों की नौकरी या सैलरी पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपका समय जरूर बर्बाद होता है और दफ्तर देर जाने से आपका खुद का काम भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है, जिसकी कई शिकायतें अब तक सामने भी आ चुकी है। लेकिन अब बिहार सरकार इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाली है, यानी कि अब अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी को समय पर कार्यालय आना ही होगा। देर से कार्यालय आना उन्हें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब लेट लतीफी सरकारी कर्मचारियों को सुधारने के लिए बिहार सरकार सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रही है, यानी कि अब एक क्लिक पर आपके आने के समय का पता चल जाएगा। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सचिवालय से जुड़े कार्यालयों में 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू कर दी जाएगी। अब तक कौन सा काम पूरा करना है, इसके लिए गृह विभाग ने टाइमलाइन भी तय कर दी है। गृह विभाग ने इसको लेकर सारी जानकारी साझा की है। गृह विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं 25 अप्रैल तक सभी कार्यालयों के ही खरीद का काम भी हर हाल में पूरा करना ही होगा। वहीं 12 मई तक बायोमेट्रिक उपकरण के इंस्टॉलेशन का काम पूरा होगा। 1 जून से ये लागू हो जाएगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई दिक्कत आती है तो गृह विभाग के आईटी मैनेजर उमर फारूक से संपर्क कर सकते हैं। वहीं विभागों को भी इसके लिए विभागीय नोडल पदाधिकारी का नाम और संपर्क नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अब अगले कुछ ही समय में सरकारी कार्यालय में जब सरकारी बाबू जाएंगे तो अब उन्हें हाजिरी लगानी होगी और लेट आने पर जवाब भी देना होगा। ऐसे में अब आने वाले समय में अगर कर्मचारी ये सोचने लगेंगे कि वो लेट आए या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये उनकी भूल होने वाली है। ऐसे में सभी लेट लतीफ अफसर के पास लगभग 2 महीने का समय भी है कि वो अपनी देरी से कार्यालय पहुंचने की आदत में सुधार लाएं, वरना अफसरशाही के खिलाफ वैसे ही बिहार सरकार के अंदर से कई आवाज उठ चुकी है और ऐसे में इन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों का अंबार कम नहीं हुआ तो सरकार अब सख्त कदम उठाने वाली है। हालांकि अब सरकार के इन सख्तियों के बाद उम्मीद है कि कर्मचारी भी सुधरेंगे और काम भी समय पर हो सकेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।